अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्के पाकिस्तान जो है इस वक्त तारीख के बदतरीन दौर से जो है वो गुजर रहा है। पाकिस्तान जो है वो इंतहाई मुश्किल दौर से जो है इस वक्त गुजर रहा है। पाकिस्तान की मईशत इंतहाई पस्ती की तरफ जो है वो जा रही है। हर बच्चा जो पाकिस्तान में पैदा हो रहा है वो 40 लाख का मकरूज जो है वो पैदा हो रहा है हर बच्चा। ये 22 करोड़ अवाम का हर फर्द 40 लाख रुपए का मकरूज है इस वक्त। आज हमें सोचना होगा कि वो कौन से ऐसे अनासिर हैं, वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि दुनिया की वो मुल्क जिसकी फौज का शुमार दुनिया की बड़ी फौज के अंदर होता है, वो मुल्क पाकिस्तान जिसके ऊपर अल्लाह की अनायत है, अल्लाह की शफकत है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है, दरिया भी हैं, समुंदर भी हैं, पहाड़ भी हैं, नमक के जखायर भी हैं, सोने की जखायर भी हैं, हर मादनियात जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। और अल्लाह के फजलो करम से मुल्क पाकिस्तान एक जरी मुल्क है, हर सहूलत यहाँ पे मौजूद है, उसके बावजूद हम डिफॉल्ट क्यों कर रहे हैं, डिफॉल्ट करने की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्यों हम दुनिया की तरफ देखते हैं, क्यों हम कर्जे लेते हैं? तो मेरे भाइयों, ये सब कुछ जब होता है कि जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को पूरा ना करें, जब हम अयाश परस्त हो जाएं, आराम पसंद हो जाएं, जब करप्शन मुल्क के अफराद की रग रग में, नस नस में, खून के जर्रे में बस जाए, रच बस जाए, तो फिर जो है वो मुल्क जो है वो डिफॉल्ट करते हैं। माशी डिफॉल्ट भी करते हैं और इखलाकी डिफॉल्ट भी करते हैं। अब ये देखें कि जब नुमाइंदे चुनने की बात आती है, जब वोट की ताकत हमारे हाथ में होती है, तो बदकिस्मती के साथ कुछ लोग पैसे लेके, बरियानिया खा के, 5-5 हजार रुपए फी फरद लेके अपनी वोट को अपने जमीर का सौदा कर देते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि जब कभी जमीर के सौदे की बात हो तो डट जाओ हुसैन के इंकार की तरह, तो डट जाओ हुसैन के इंकार की तरह। वो वोट को बेच देते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करते, करप्शन करते हैं, मौका मिलता है मिलावट करते हैं, लोगों की जानों से खेलते हैं। बदकिस्मती के साथ इसी मुल्क के अफराद 500 रुपए की खातिर एक जवान शख्स को मार देते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं, तो फिर जो है वो मुश्किलात आती हैं, फिर जो है मुल्क डिफॉल्ट भी करते हैं, फिर जो है वो अर्थक्वेक भी आते हैं, फिर सैलाब भी आते हैं, फिर जलजले भी आती हैं, फिर मुश्किलें भी आती हैं, फिर परेशानियां भी आती हैं। कि जब अल्लाह ताला को भुला दिया, अल्लाह ताला के अहकामात को भुला दिया, कुरान पाक को, जो अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इस रस्सी को मजबूती से थाम लो, उस रस्सी को जब हमने छोड़ दिया तो फिर परेशानियां भी आती हैं, टेंशनें भी आती हैं, मुसीबतें भी आती हैं, फिर इसी तरीके से मुल्क डिफॉल्ट होते हैं। तो मेरे भाइयों, आज बात करने का मकसद यह है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को समझें, इज्तमाई तौर पे अल्लाह ताला से तौबा करें कि जो गलतियां हमसे हो गई उन गलतियों को हम नहीं दोहराएंगे, हम अच्छे हुक्मरान जो है वो चुनेंगे, हम अच्छे एमपीए एमएनए के कैंडिडेट को वोट देंगे, जो मेरिट पे बंदा होगा, जो दयानतदार होगा, वोट का हकदार होगा, उसको वोट देंगे, वोट को नहीं बेचेंगे, करप्शन नहीं करेंगे, वादा खिलाफी नहीं करेंगे, और किसी भी शख्स को मुल्की वसाइल पे और अपनी अमानतों पे, अपने टैक्स के पैसों पे जो है वो डाका डालना नहीं देंगे। कोई बंदा जो करप्शन करेगा उसका साथ नहीं देंगे, मजलूम का साथ देंगे। और जाबर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना भी जहाद है, तो हमेशा जो है हम मजलूम बंदे का साथ देंगे, दो नंबर बंदे का साथ नहीं देंगे, चाहे वो हमारा रिश्तेदार ही क्यों ना हो, चाहे हमारा उससे कितना ही
खूनी रिश्ता क्यों ना हो, हम उसका साथ नहीं देंगे अगर वो कसूरवार है, उसका साथ नहीं देंगे। अपने कश्मीरी भाइयों के लिए आवाज उठाएंगे, डॉक्टर आफिया सदीकी की रिहाई के लिए तहरीक चलाएंगे, तो फिर अल्लाह ताला का फजलो करम होगा मुल्क पाकिस्तान पे। अल्लाह का शुक्र है हर नेमत इस मुल्क पाकिस्तान के पास है, अगर नहीं तो दयानतदार लोग नहीं, दयानतदार ईमानदार अफराद नहीं, चाहे वो हुकूमत के ऐवानों में हो चाहे वो अवाम हो, कोई भी यहां पे ठीक नहीं है। जिसको वक्ती इक्तदार मिल जाए वो जमीनी खुदा बन बैठता है, तो इस तरह जो है वो नहीं होना चाहिए। ऐ खुदा मेरी तौकीर सलामत रखना, ऐ खुदा मेरी तौकीर सलामत रखना, मैंने फर्शी खुदाओं से बगावत की है, तो अब जो है वो बगावत का वक्त आ पहुंचा है कि इस कल्चर के रिश्वत को, इस मिलावट की बीमारी को जो है हम जड़ से उखाड़ फेंकें, और ईमानदार लोग जो अहल लोग हैं उनको ऐवानों तक पहुंचाएं, करप्ट लोगों का साथ ना दें। चाहे वो आपकी पार्टी का लीडर हो चाहे ना हो, जो बंदा अहल है उसको वोट आप दें। मुल्क पाकिस्तान की तरक्की में अपना जो है वो किरदार अदा करें। ये हम सबका पाकिस्तान है, हम सबके अबाव अजदाद ने, हम सबके अबाव अजदाद का इस मुल्क पाकिस्तान की बुनियादों में खून है, उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। तो मेरे भाइयों इंशाल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान को हम डिफॉल्ट नहीं होने देंगे, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियां पूरी करेंगे, दो नंबर बंदे का साथ नहीं देंगे, करप्शन नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, आपस में हसद नहीं करेंगे, भाईचारे को फरोखत देंगे, रवादारी को जो है वो फरोखत देंगे, करप्ट अनासर का कला कमा करेंगे, और इंशाल्लाह मुल्क पाकिस्तान को हकीकत में जो है वो एशिया का टाइगर बनाकर रहेंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।